इन्हें बनाया अभी राठौड़ का थंबनेल जो कि आज के वीडियो का थंबनेल है। तो भाई सपोर्ट जरूर करें, अभी राठौड़ को बोलना चाहता हूँ। तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस आज सुबह सुबह मैं वापस आ चुका हूँ खे यहाँ पर गायों को बाहर निकालने के लिए, क्योंकि बाहर की तरफ छोड़ दिया है। तो आज तो मैं स्कूल की तरफ नहीं गया, आज तो सिर्फ यहीं पर छोड़ के आ गया। और आज मेरे साथ ज्योति भी आई है, क्योंकि इसकी भी गाय कल साथ थी ना, इसीलिए। तो कल वाला डे भाई आज तो कुछ नहीं, बल्कि कल वाला डे जो आएगा तो कल एक स्पेशल, बहुत स्पेशल डे है। तो कल हमारे एक दोस्त का बर्थडे है जिसका नाम मोहन है, तो उसकी बर्थडे पार्टी काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग होने वाली है अगर हो सके तो, क्योंकि अभी पापा भी मना कर रहे हैं, क्योंकि हम जगह जहाँ पर जाने वाले हैं वहाँ, इसीलिए तो वहाँ पर दो जगह जाने वाले हैं, बहुत ही अच्छी अच्छी जगह पर, देखते हैं जा पाते हैं। तो गाइस जहाँ पर बर्थडे है वहाँ पर वो दो खास चीज़ें मैं अभी नहीं बताऊँगा, क्योंकि कभी भी हमारा प्लान में कभी भी चेंज हो सकता है, हमारा हर समय वैसे पॉपअप होते रहता है, तो यहाँ पर भी ना हो जाए इसीलिए। तो मैं उस जगह का फ्रेश नाम नहीं बताऊँगा, जब कल जाने की हो जाएगी, पूरा पक्का हो जाएगा जाना ही है कल, तो मैं दोनों जगहों का नाम बता दूंगा। जो कि एक का तो बता दें, एक का है जो कि मॉल में, जो कि मॉल नाजर वाला नहीं है, दूसरा मॉल है, वहाँ पर जाएंगे। और एक और जगह है जो कि आपको गुप्त में रखेंगे, वहाँ पर जाके पता चलेगा। तो अब फिलहाल मैं तो चलता हूँ एक बार घर पे, आज तो कुछ खास डे है ही नहीं, पर कल वाला काफ़ी मजा आएगा उसमें। गाइस और फिलहाल मैं तो आया हूँ खेत में, जो कि घर पे आज नल आए थे तो पानी भर के सीधा खेत में आया हूँ, क्योंकि भाई यार देखो पीछे की तरफ पूरा जंगल हो चुका है, जो कि चारा काफ़ी बड़ा बड़ा हो चुका है, जो कि पूरा जंगल जंगल दिखाई दे रहा है। हाँ घास घास, क्योंकि घास से पूरा जंगल दिखाई दे रहा है। और भाई एक चीज़ तो बढ़िया बताता हूँ, जो कि हमारा तीन दिन पहले मक्का की फसल बोई थी, जो कि देखो अभी भाई पूरी फसल उग चुकी है, जैसे कि देखो सीधी सीधी लाइन में दिखाई दे रही है सारी फसल। तो ये पूरी मक्का की फसल है, इसमें मूंगफली है, भिंडी है और मम्मी कहीं, हाँ और हाँ काकड़ी है। हाँ तो ये दो तीन सब्जियाँ और मेन तो मक्का की फसल है। तो एक फूल यहाँ पर उग चुके हैं, क्योंकि वो वहाँ पर उगाए थे उससे एक दिन पहले की ये फसल है, लगता है कल तक वहाँ पर भी उग जाएगी इसीलिए। तो यहाँ पर तो देखो अभी इतने मस्त मस्त हो गए हैं पूरा, ये मक्का की फसल इस प्रकार होती है, देखो एक एक पन्ना दिखाई देता है इसमें। तो भाई जाओ फिलहाल मैं एक बजे जैसे उठा तो थोड़ा बहुत वहाँ पर गया था, मतलब चक्की पे गया था, तो थोड़ा बहुत गेहूँ पिसाना था और धान भी पिसाना था, तो फटाफट जाके पिसवा के आ गया। तो फिलहाल कड़ी दे बज गए 2:15, तो अभी मैं जस्ट नहा के आ चुका हूँ। और नहा के आते ही आज तो पापा मम्मी वापिस जा रहे हैं भावा, जो कि वहाँ पर मैंने बताया था भोपाल जी सभी है वहाँ पर, पापा ठीक हुए वहीं पर, तो इसीलिए पापा और मम्मी हम वहाँ दोनों वापिस जाएंगे। तो आज तो फिलहाल इतना कुछ खास डे है नहीं, पर कल वाला डे यार पापा मना कर रहे हैं, देखते हैं जाते हैं नहीं। पापा मना इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ से काफी दूर है वो जगह, जो कि 50 किलोमीटर दूर है, जो कि देखते हैं जाते हैं नहीं। तो गाइस अब फिलहाल मैं जब पढ़ाई कर रहा था और पढ़ाई करते करते मेरे को दो झटके लगे खतरनाक, जो कि क्या क्या लगे मैं बता रहा हूँ। क्योंकि भाई पहला झटका ये है कि कल हमारे एग्जाम है, तो कल मैंने सोचा था एग्जाम नहीं है, तो अभी मैंने फोन किया फ्रेंड को, तो उसने बताया कल एग्जाम है, कल पॉलिटिकल का एग्जाम है इसलिए जाना ही पड़ेगा, तो कल फिलहाल एग्जाम देने जाना है। और दूसरा झटका ये जो कि कल वो बर्थडे पार्टी रखी थी मोहन की, मैंने सुबह सुबह बता दिया था कल बर्थडे पार्टी है, जो कि हम जाने वाले थे उदयपुर, जो कि उदयपुर वहाँ से चिड़ियाघर में जाने वाले थे, और एक बहुत बड़ा मॉल भी है वहाँ पर भी जाना चाहते थे, पर पापा ने मना कर दिया इसलिए नहीं जाएंगे। वैसे ही एग्जाम है तो कल एग्जाम है इसलिए नहीं जा सकते। और तो मोहन के दादाजी बीमार हो गए थे, तो इसीलिए मोहन भी है वो हॉस्पिटल में इसीलिए। तो भाई कल तो एग्जाम है, कल एग्जाम देने जाना ही पड़ेगा। तो फिलहाल मैं BSTC की तैयारी कर रहा हूँ, कल एग्जाम है पर उसकी पढ़ाई बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मेन मेरा BSTC का एग्जाम है, एग्जाम भी है मतलब पॉलिटिकल का है, उसमें भी थोड़ा बहुत पढ़ना है, पर मेन हमको जो हमारा लक्ष्य है उसको पाने के लिए उसी की पढ़ाई करनी पड़ेगी, इसीलिए ज़्यादा BSTC पे ध्यान देना चाहिए। अभी हमारे कल परीक्षा नहीं होती, कल एकदम बढ़िया हमारे बर्थडे पार्टी रखे थे, पर पूरा पॉपआउट हो गया। मैंने बोला था हमारा कभी भी पॉपआउट हो सकता है, कभी भी हमारा काम रुक सकता है, तो रुक गया। चले कोई बात ना, अभी 30 तारीख को मोहन बोल रहा है एक जगह पे जाने के लिए, जो कि काफ़ी अच्छी जगह है, वो वहाँ पर काफ़ी सारे टूरिस्ट लोग भी आते हैं, मतलब अंग्रेज लोग भी आते काफ़ी सारे।
एक टूरिस्ट प्लेस है जो कि यहाँ से लगभग 20 या 25 किलोमीटर दूर है, जो कि काफी अच्छी जगह है। मैं भी वहां पर पहली बार जा रहा हूँ लगता है, हाँ पहली बार, जो कि हम जाएंगे 30 तारीख को। तो देखते हैं 30 तारीख को चलते हैं या नहीं। और गाइस सबसे मेन बात एक तो रह गई, जो कि आज एक टूर्नामेंट हुआ था वो अभी राठौड़ का, उन्होंने कब बोला था कि अभी राठौड़ नाम का एक यूट्यूब चैनल है, उन्होंने बोला था कि हमारे मतलब बड़ा प्रमोशन शुरू हो रहा है, महाप्रमोशन, जिसमें किसी भी लोग को प्रमोट करेंगे। तो उसमें देखते हैं मेरा नाम आता है या नहीं, तो एक बार चेकिंग करते हैं। तो भाई जब मुझे अभी लगता है कि मुझे कोई यूट्यूबर सपोर्ट नहीं कर सकता, सिर्फ एक यूट्यूबर सपोर्ट कर सकता है जिसका आज मैंने थंबनेल बनाया है, क्योंकि थंबनेल मैं अभी बना लेता हूँ। जब भी मुझे दोपहर को टाइम मिलता है तब मैं थंबनेल बना लेता हूँ। तो अब फिलहाल मैंने बनाया अभी राठौड़ का थंबनेल, जो कि आज के वीडियो का थंबनेल है। तो भाई सपोर्ट जरूर करें, अभी राठौड़ को बोलना चाहता हूँ। तो देखते हैं, देखा महाप्रमोशन मोड में शुरुआत हो चुकी है, तो प्रमोशन मेरा होता है या नहीं एक बार जरूर चेक करते हैं। तो भाई देखता हूँ आज का व्लॉग में से। वैसे आज तक कोई मुझे तो नहीं लगता है कोई व्लॉग बना है, मुझे लगता है आज कोई इंफॉर्मेटिव वीडियो बना है, तो टेक्निकल वीडियो लगता है आज का। तो आई होप गाइस आज का व्लॉग आप सभी को पसंद आया होगा, पसंद आया वीडियो को लाइक करना, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। तो जल्दी मिलते नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।